नमस्कार, हाय व्यूअर्स, रेसिपी कल्याणी में आपका फिर से स्वागत है। व्यूअर्स, आज मैं बनाई हूँ सूजी की रोटी। सूजी की रोटी काफ़ी सॉफ्ट और मुलायम बनती है और इसका स्वाद भी काफ़ी अनोखा होता है। मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि आप इसे अंत तक देखें, क्योंकि मैं इसे स्टेप बाय स्टेप बनाने के साथ साथ इसको बहुत ही सरल प्रोसेस में बनाना बताई हूँ। मगर आगे बढ़ने से पहले जो नए व्यूअर्स हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे हौसले को बढ़ाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल रंग में लिखे सब्सक्राइब को क्लिक कर दें, उसके बाद बेल की जो आइकन आती है उसे भी क्लिक कर। सूजी की रोटी बनाने के लिए मैं इस कप से एक कप सूजी ली हूँ और इसी कप का डेढ़ कप पानी ली हूँ। इसको गर्म होने के लिए बैठा देती हूँ। इसको ढक देती हूँ ताकि जल्दी से इसमें उबाल आ जाए। ये देखिए, पानी उबलने लगी है। अब आंच को मध्यम कर देती हूँ और इसमें 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल डाल देती हूँ। आप चाहे तो इसमें चुटकी भर नमक भी डाल सकते हैं, पर मैं इसमें नमक नहीं डाल रही हूँ। अब सूजी को धीरे धीरे डालेंगे और मिलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। इसको अच्छी तरह से मिलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। अब मैं गैस को बंद कर इसको 10 मिनट के लिए ढककर रख देती हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको मैं एक थाली में निकाल लेती हूँ और इसको अच्छी तरह से गूंध लेना है। अभी ये गर्म है, इसीलिए मैं चम्मच की सहायता से इसको थोड़ा ठंडा कर लेती हूँ। अब ये हाथ से छूने लायक हो चुकी है। अब हाथ में तेल लगाकर इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। व्यूअर्स, अच्छी तरह से इसको मसल कर मुलायम कर लेंगे। व्यूअर्स, आप किसी भी तरह का आटा लगाते समय एक बात का ध्यान रखेंगे, आप नेल पॉलिश पूरी तरह से उतार लें और हाथ को भी अच्छी तरह से साफ कर लें। व्यूअर्स, अगर आप नॉर्मल पानी या दही से सूजी की डो तैयार करेंगे तो वह रोटी आपकी सॉफ्ट नहीं बनेगी। सॉफ्ट और स्पॉन्जी रोटी बनाने के लिए सूजी की डो को आपको इसी प्रोसेस में तैयार करना होगा। काफ़ी सॉफ्ट और मुलायम डो तैयार हो चुका है। अब इसको मैं ढककर और 10 मिनट के लिए रख देती हूँ, उसके बाद रोटी बनाऊँगी। 10 मिनट हो चुके हैं। अब इस डो से मैं पेड़े बना लेती हूँ। व्यूअर्स, इस डो से मैं 9 पेड़े बनाई हूँ। अब इसको रोटी की तरह बेल लेंगे। इसको आटे की मदद से बेलेंगे। आप चाहे तो चावल की आटे का भी यूज कर सकते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इसके किनारे फट रहे हैं, इसमें घबराने की बात नहीं है। सूजी की रोटी की यही विशेषता है कि ये फटेंगे ही, ये नॉर्मल आटे की रोटी की तरह बराबर नहीं होंगे। मैं तवे को गर्म होने के लिए मध्यम आंच में बैठा दी थी। अब मैं रोटी सेक लेती हूँ। देखिए, ऊपर का कलर थोड़ा चेंज हो गया है। इसको अब मैं पलट देती हूँ।
इसको फिर मैं पलट देती हूँ। अब इसको मैं इस तरह सेक लूंगी। इसी तरह बाकी रोटियों को भी बना लूंगी। व्यूअर्स ये देखिए कितनी सॉफ्ट और मुलायम सूजी की रोटी बनकर तैयार हुई है। इसे आप 6 घंटे या 8 घंटे बाद भी खाएं तो इसी तरह सॉफ्ट और मुलायम ही रहेंगी। आप इसे किसी पतली ग्रेवी के साथ तो खा ही सकते हैं, पर मैं आपसे कहूँगी कि आप एक बार काढ़ी हुई दूध या रबड़ी और गुड़ के साथ अवश्य खाएं। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।